किसानां दे चेहरे कदे कदे ही खिड़दे ने। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खास रिपोर्ट दे नाल मैं हरशरण कौर। जून तो लगातार पै रहे मीह करके किसानां दे चेहरे खिड़ उठे ने। सरकार नूं भी सुख दा सां आया है अते पंजाब दे विच बिजली सप्लाई देण वाली पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन भी बिजली दी मंग नूं पूरी करन नूं लैके जिहड़ी हंबी पई सी हुण उस नूं भी थोड़ा सुख दा सां आया है, क्योंकि बिजली की मंग झोना लाउण झोने की लुआई शुरू होण करके एकदम वध गई सी ते हुण मीह पैण करके थोड़ी जी थले आई है। लोग खुश ने कि वीकेंड ते शिमले वर्गी ठंड का आनंद घरे बह के लै लिया। मौसम विभाग ने 20 जून तक मीह वरदे रहने की भविष्यवाणी की है। उदों तक किसानां दा भी झोना लाउण दा काम नेड़े तेड़े पहुंच ही जाना है। मालवे के किसानां दे लई दूरी खुशी की खबर है। पिछले साल मालवे च नरमे नूं गुलाबी सुंडी ने निगल लिया सी। फसल का इन्ना क नुकसान होया सी कि कई किसानां ने अपने आप नूं खत्म ही कर लिया सी, खुदकुशी कर ली सी। पंजाब खेतीबाड़ी विभाग अते पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना ने देश के दूसरे विज्ञानियों के नाल मिलकर एक सांझी खोज करदियां गुलाबी सुंडी का हल लभ लिया। मारू हमला करन वाली गुलाबी सुंडी का नाश करन वाली एक स्प्रे तैयार की गई है, जिसका मनुखां जां फसलां ते कोई मारू नुकसान भी नहीं है। मालवे के दक्षणी इलाके दे विच पैंदे चार जिलों की 8800 एकड़ जमीन इहदे लई चुनी गई है। यूनिवर्सिटी अते विभाग दूरा तजर्बा करन तों बाद किसानां नूं होर जानकारी देणगे। उंज देश के दूसरे कई हिस्सों के नरमे समेत होर कई फसलों से गुलाबी सुंडी लैके तजर्बा किया जा चुका। मौसम विभाग मुताबिक अगले दिन ही मीह कणी दे रहण की संभावना है, उस तो बाद मालवे दे विच तजर्बा शुरू हो जाएगा। खेतीबाड़ी विभाग के डायरैक्टर गुरविंदर सिंह दावा करते हैं कि हाड़ी की अगली फसल बीजन तक खेती विज्ञानी नवी खोज नूं बेहतर बनाउण दे लई काम करते रहेंगे। यूनिवर्सिटी वालों पिछले दिन पंजाब के दो जिलों बठिंडा ते फरीदकोट के विच दूजियां फसलों ते संखेप तजर्बा किया जा चुका। अगले वार नरमे ते सरकार ने 30 दिनों के फर्क नाल दो वार तजर्बा करने की योजना तैयार की है। दूजे पासे लगातार पै रहे मीह कारण बिजली की खपत घटी है। खेती ट्यूबवैल चाहे झोने की लुआई तो पहला चलाए जा रहे हैं, पर लगातार मीह जिहड़ा पै रहा है उहदे कारण धरती की हिक है जिहड़ी उह ठर चुकी है। किसानों मुताबिक कद्दू करन तो बाद झोना लाउण तक जिस खेत नूं दो दो वारी पानी छड्डना पैंदा सी, हुण आम दी तरह पानी छड्डण नाल काम सर रहा है। बिजली विभाग दे अंकड़े दसदे ने कि इस वारी झोने की लुआई दौरान खेती खेतर अते घरेलू खपत दे लई 15,000 मैगावाट की लोड़ पैनी सी, पर हुण 12,000 मैगावाट दे नाल गड्डी चंगी रुड़दी है। पिछले साल झोने के सीजन 13,148 मैगावाट की लोड़ पई सी, जबकि 2017-18 दे विच 11,705 मैगावाट बिजली की लोड़ पई सी। उन शहरी खेतरां दे विच कई थाई बिजली दे लगदे कट्टां करके लोग परेशान ने। मौसम विभाग कहिंदा कि मीह पैण नाल दिन दा तापमान 6 डिग्री अते रात दा 7.5-7 डिग्री थले आ गया। विभाग वालों दित्ती जानकारी मुताबिक शुक्रवार नूं रोपड़ दे विच 37 मिलीमीटर, नवां शहर दे विच 30.8 मिलीमीटर, फतेहगढ़ साहिब दे विच 18.5 मिलीमीटर मीह पिया, ते सब तों वध जिहड़ा हुशियारपुर दे विच दस्सिया गया। खेतीबाड़ी विभाग ने झोने हेठले 29 लाख हैक्टेयर का रकबा मिथ्या है, ते हुणे तो बंपर फसल की भविखबाणी शुरू कर दिती है। लंघे साल झोने हेठला रकबा 30.40 लाख हैक्टेयर एकड़ सी, 225 लाख मीट्रिक टन का झाड़ निकलिया सी। पिछली हाड़ी की फसल दौरान कणक का दाणा सुंगड़न करके किसानों नूं वड्डा धक्का लग्या। सो जे मौसम खुशगवार रहा तो किसानों के पिछले दुख धोते जाएंगे, तो जे खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ते खेतीबाड़ी विभाग दोवें गुलाबी सुंडी का तोड़ कड्ढन दे विच कामयाब हो गए तो किसानों नूं दूरी खुशी है जिहड़ी उह जरूर मिल जाऊगी, क्योंकि ऐतकी मानसा जिले दे विच तां कुछ किसानों ने नरमे की फसल वाह भी दित्ती है, क्योंकि दोबारा फिर तो ऐतकी गुलाबी सुंडी ने हमला कर दिता है। हुण तां फुल दे विच ही फुल जदों खिड़ रहा है तां उहदे विच ही नरमे की सुंडी है जिहड़ी उह बैठी हुई है, इस करके किसानों ने लाया जिहड़ा नरमा उसनूं वाह दिता है। खास रिपोर्ट देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।